हाँ ठीक है, क्या सबको अब क्वेश्चन दिख रहा है? क्या सबको क्वेश्चन दिख रहा है? एक सर्कुलर, हाँ, अब ऐसे सबके पास तो आ ही गया होगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना? तुम लोगों ने ट्राई करा इसको? नहीं किया। इसका डायामीटर दिया हुआ है, देखो 56 यानी कि 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो गया कि नहीं हुआ, है ना? और स्मॉल आर कितना हो गया? ये कैपिटल आर हो गया हमारा 28 सेंट, है ना? सही है ना? और स्मॉल आर हो गया हमारे पास 21 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है ना? हेलो, क्या था? तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर नहीं है दिक्कत, तो अगर हम ये कह दें कि इसका कोऑर्डिनेट 0 0 पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कहीं यहां पर होगा, इस वाले का जो काटा गया है ना? क्या ये लेंथ मेरे को पता है? क्या 21 है देखो तो, और ये लेंथ मेरे को पता है कि 28 है ना? पता, यहां से आता का लेंथ 21 हुआ ना, इसके सेंटर से ये लेंथ 21 है कि नहीं है? जल्दी देखो, और ये लेंथ कितना है? 28 है, तो 28 में से 21 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 7 ही तो बचेगा। ये सब कोऑर्डिनेट कितना बचा? 70 बचा, 70 बच गया ना। हाँ, और ये क्या है देखो तो, यूनिफॉर्म, हाँ, एक प्लेट है, तो इसके पास तो एरिया हो जाएगा, है ना? एरिया होगा ना। अगर हम पूछें कि एक्स सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, तो क्या लिखेंगे? A1 x1 माइनस A2 x2 बाई A1 माइनस A2, ये लिखेंगे। जहां से हम एरिया वन के बारे में बात कर सकते हैं, पाई इंटू 28 का होल स्क्वायर, और A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई इंटू 21 का स्क्वायर। इसका कोऑर्डिनेट हमको दिख रहा है 0 0, और इसका कोऑर्डिनेट दिख रहा है हमको 7 0। सही है क्या? है ना? तो यहां से अगर हम A1 के जगह पे लिख दें अब पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 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 सॉरी, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास? 0 है ना, माइनस में A2 कितना है? पाई इंटू 21 का स्क्वायर इंटू, इसका कोऑर्डिनेट है 7, पाई दोनों का सब्सट्रैक्शन, पाई इंटू 28 का स्क्वायर माइनस में पाई इंटू 21 का स्क्वायर। पाई से पाई तो कॉमन आ गया, खत्म ही हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचा? सिर्फ 21 इंटू 21 इंटू 7, बाय नीचे में क्या बचा? 28 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर, ये बचा माइनस में, तो माइनस में 21 इंटू 21 इंटू 7, सही लिख रहे हैं ना? इसको तो एक बार ऐड कर लेंगे, बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना? ये आई थिंक 49 आ जाएगा क्या दोनों को ऐड करने पर, और सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाएगा, 7 7 कट गया, 7 3 जा, 7 7 जा, 7 3 जा, आई थिंक माइनस में 9 सेंटीमीटर। समझ में आया बात? यानी कि माइनस में 9,0 इसका एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया। कोई सवाल है? कोई सवाल था? ये दम वाला सवाल था कि बहुत भारी था? खुशी बहुत भारी था। नंदिनी तुम इतना लेट कैसे हो गई रे? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, हम सोचे थे कि थोड़ा, हम उम्मीद कर रहे थे तुम लोगों से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, लेकिन कभी क्या बोलते इसको, टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे, है ना जी? आयुष एक बात बताओ, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के बीच में होगा? ये अच्छा सवाल है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अरे बोल रहे, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? हेलो, और हमको ये बात पता है कि ये लेंथ हमको पता है कि L/2 सेंट, है ना, लेंथ होगा यहां से आता है, और ये भी लेंथ हमको पता है कि L/2 हो जाएगा, और ये भी लेंथ हो जाएगा हमारा L/2, और ये भी लेंथ हो जाएगा L/2, यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी को। एक और बात बताए थे, एकदम बहुत सिंपल सा फेनोमेना बताए थे कि सेंटर ऑफ मास जब भी पास करेगा, तो ये हैंगिंग वाला एक कंडीशन बताया तुम लोगों को, वो हर समय इसी लाइन के अबाउट कहीं ना कहीं होने वाला है, बताए थे एक बार, बताए ऐसे करके बताए थे, कोई रिजिड बॉडी है ऐसे करके, है ना, तो उसको हमने कहीं से क्लैंप करके रखा है, तो वो हर समय सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, याद है? एक छेद करके हम यहाँ से बताए थे, इसको भी ऐसे कर लो तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा, ये बताए थे।
याद है कि एक बॉडी को कोई 3D ऑब्जेक्ट को उठा करके अगर एक रैंडम शेप कर रहे तो उसको हैंग करके रखे सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा। तो वही कंडीशन पर एक सवाल इसने पुट करा है यहाँ पर। इस सवाल को करने के लिए मैं एक ग्राफ एक डायग्राम भी बना दिए ताकि तुमको समझ में आए। यहाँ पर दिख रहा है ना अब तो अच्छे से, और ये 90 डिग्री है कि नहीं है? क्या इस तरह का पिक्चर बना हुआ है? क्या ऐसे ना हैंग किया हुआ है? और ये लाइन देखो तुमको वर्टिकल लाइन दिख रहा है क्या? ऐसे ही ना होगा कहीं ना कहीं सेंटर सेंटर मास कहाँ होगा बता तो? दोनों लाइन के बीचों बीच होगा, होगा क्या यहाँ पर? अरे बोल रहे हो। ये लेंथ कितना होगा? L/2। ध्यान से देखते रहना, क्या ये भी लेंथ L/2 हो जाएगा? क्या ये भी लेंथ हमको पता है कि L/2 हो जाएगा? और ये भी लेंथ हमको पता है L/2 हो जाएगा। कोई सवाल? क्या भी ना पीछे किए हैं ये सब काम? हम एक और काम करते, इस दोनों को एक लाइन से इसे मिला दें तो बता सकते हो कि ये लेंथ ये एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ ये दोनों एंगल कितना होगा, क्योंकि पूछा इसने ये थीटा एंगल है ना, ये थीटा पूछा है। क्यों? क्योंकि ये और ये बराबर है ना, ये भी π/4 हो जाएगा और ये भी π/4 हो जाएगा। क्या सबको दिखा? ये लेंथ अगर L/2 और ये भी लेंथ L/2 है तो ये कितना होगा? 45 45 होगा कि नहीं होगा? और अगर ये 45 45 हो जाएगा तो ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस में π/4 है ना, तो कितना हो जाएगा? 3π/4। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे π/4 मतलब 45 डिग्री, मतलब ये 3π/4 का मतलब क्या हो गया? 135 डिग्री। अरे हरभजन सिंह, तुम आ गया, यही हम लोगों का सौभाग्य है ना रे, ताली बजा के स्वागत किया जाए। चलो ठीक, क्या हम ये बात कह सकते हैं, क्या हम ए बी के बारे में बात कर सकते हैं कि वो L/2√2 होगा? देखो तो ध्यान से, ये भी L/2 है और ये भी L/2 है, ये L/2√2 होगा, तो बेसिकली L/√2 हो जाएगा। दिखा सबको ये ए बी का लेंथ? अगर इतना दिख गया तो तुम्हारा काम ये खत्म, ये कुछ नहीं रहा अब सवाल में, कुछ नहीं रहा क्या? जितना अभी तक करें यहां तक ठीक है कि फिर से हम कर दें? फिर से ध्यान से समझना, यहाँ से अगर हमने इसको ऐसे पैक करा हुआ है तो ये हमको पता है ना L/2 लेंथ है। अच्छा लाल हटा देते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हो जाता है इससे, ठीक है, थोड़ा अजीब दिखने लगता है वहां पर। ये तो L/2 है कि नहीं है? ये भी L/2 है और ये भी L/2 होगा, ये भी L/2 होगा। इसमें कोई सवाल? क्या ये 90 डिग्री है? आधा घंटा में कॉल करें। हाँ हेलो, क्या ये एंगल अभी अभी हमको पता चला है कि अगर ये लेंथ हमको पता है L/2 है और ये भी लेंथ L/2 है तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो ये एंगल पक्का है कि 135 डिग्री हो जाएगा। क्या यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया? और अगर हम इस पॉइंट का नाम ए बी दे दें तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? L/2 √2 है ना ये? अरे ये लेंथ L/2, ये भी लेंथ L/2, L/2 √2 होगा ना, ये हो गया L/2। यहां तक कोई सवाल किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना, इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल तुम लोग को दिख रहा होगा, अब इसमें यही थीटा आपको पता करना है। तो थोड़ा अगर हम ए बी डी ट्रायंगल बनाएं, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, ध्यान समझना ए बी डी ट्रायंगल को, तो क्या ए बी डी ट्रायंगल तुम लोग को कुछ इस तरह का दिख रहा है क्या? सिर्फ देखो अब कुछ नहीं रहा, ज्योमेट्री रहा सिर्फ और कुछ नहीं रहा, ठीक है। ये डी है देखो तो, ये वाला पॉइंट डी, ये बी है क्या और ये ए है, दिखा? क्या ये एंगल थीटा दिखा और ये एंगल 135 डिग्री दिख गया तुम लोग को? अरे बोलो भाई साहब, ये L/2 और ये L/√2 है, क्या तुम लोग को अब तक सब सब यहां समझ में आया? बोलो।
तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये 135 डिग्री है, ये कितना होगा जल्दी बताओ? 180 में से 135 खत्म, तो 45 यानी 45 डिग्री माइनस में थीटा, क्या सही? पहला तो वेक्टर मेथड से, अब यहाँ से याद करो, अगर हमको ये पता हो रिजल्टेंट निकाल लेते थे, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा वगैरह करके, एक मेथड है वो। एक है लामीज थ्योरम बताए थे, याद है लामीज थ्योरम? याद आया लामीज थ्योरम क्या बताए थे? कि अगर तीन फोर्सेस हो F1, F2, F3, याद है बताए थे ये सब चीज, F1, F2, F3, तो F1 के सामने वाला अल्फा, F2 के सामने वाला बीटा और F3 के सामने वाला गामा, याद आया तुम लोग को? तो F1 बाय साइन अल्फा, याद आया, बराबर F2 बाय साइन बीटा, कुछ बताए थे ऐसा कुछ? F3 बाय साइन गामा बताए थे क्या? ये एक कॉन्सेप्ट था लामीज थ्योरम का। दूसरा भी कॉन्सेप्ट बताए थे इसी ट्रायंगल में, है ना, इसी ट्रायंगल में हम दूसरा भी कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि ये मेरा फोर्स लगा, तीनों का तीनों रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए, तो F1 ऐसे करके F2 और इसका रिजल्टेंट देखो, है ना, ऐसे आ गया F3, है ना, तो तीनों का नेट रिजल्टेंट जीरो आएगा, है ना, F नेट जीरो है ना, देखो F1 जितना फिर F2 F3 तीनों का सम क्या आ रहा है? जीरो ही आ रहा है ना। अगर ऐसा हो रहा है तो F1 के सामने वाला एंगल इसको अल्फा, F2 के सामने वाला बीटा और F3 के सामने वाला इसको गामा कह देंगे, तो सेम रिजल्ट आएगा, है ना, इसके लिए भी सेम इक्वेशन लिखेंगे। क्या समझ में आया सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई कष्ट है यहाँ तक? हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं यहाँ से। क्या हमको ये ट्रायंगल दिख रहा है सबको? अब देखो ध्यान से, क्या क्या बताए थे इसमें जल्दी बताओ। अगर ट्रायंगल हो तो जो ये लेंथ है उतना पाई साइन अल्फा चलेगा, यहां पर ये लेंथ कौन है? डीबी है क्या? अरे बोल रहे हाँ, डीबी बाय हाँ साइन 130। जो लेंथ है उसके सामने वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू ये लेंथ एडी है क्या? एडी बाय इसके सामने वाला एंगल कितना दिख रहा है? साइन 45 डिग्री माइनस थीटा। और फिर ये लेंथ ले लेंगे, देखो एक बार समझ लो ये कॉन्सेप्ट, इसे खूब सारे क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं, ए बी बाय साइन, इस ये लेंथ लिए तो इसके सामने साइन थीटा, समझ में आया बात? क्या सबको समझ में आया ये लेंथ लिखने के लिए? जिसमें से हमारे किसी काम का नहीं है ये, हम इस दोनों के ऊपर बात करते हैं क्योंकि हमको एडी पता है, देखो है ना एडी पता, एल बाय टू साइन 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी के जगह पता है हमको एल बाय रूट टू साइन थीटा, पता है क्या? अगर हमको इतना पता है तो हम ये कह सकते हैं कि एल से एल तो गया कि नहीं गया, तो यहां से रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ साइन 45 डिग्री इंटू कॉस थीटा, सही है क्या? माइनस में सही है, जा रहा है ना, टू साइन थीटा इंटू कॉस 45 डिग्री, याद आया तुम लोग को? ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़े थे? नहीं पता है तो एक फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो लिख देते हैं फिर से, साइन ए प्लस बी और माइनस में रहेगा, तो इसको बोलते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी, बताया दिया फॉर्मूला, हम इसी का यूज कर लिए यहाँ पर। और हमको पता है कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2 ना, कॉस थीटा माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस 45 का 1/√2 चलेगा यहाँ तक? अरे बोलो रे हाँ, √2 √2 √2 तो 2 साइन थीटा हो गया इक्वल टू 2 कॉस थीटा हो गया माइनस में 2 साइन थीटा हो गया, सही लिख रहा है क्या? अरे बोलो रे हाँ, ओके, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 साइन थीटा इक्वल टू 2, सही लिखे गलती लिखे रे, कुछ गड़बड़ वगैरह नहीं कर दिए? ए बी का लेंथ एल बाय 2√2, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, कुछ दिक्कत है कौन? चैप्टर खत्म हो गया सेंटर ऑफ मास, अब कॉलिजन स्टार्ट होगा, कॉलिजन स्टार्ट होगा, चैप्टर के खत्म हो चुका है, ये तो सवाल बता रहे हैं उसके, ठीक है क्या?
हाँ बोलो। अब क्या करोगे, जिंदगी खराब हो जाए तो आदमी ट्रिगो भी पढ़ाने लगता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ ना यहाँ पर, कॉस थीटा देखो ध्यान से क्या गलती की है, जल्दी बताओ। 2/√2 कॉस थीटा माइनस में 2 sin थीटा इंटू 1/√2, सही जा रहा है न रे? अरे खुशी, सही सही लग रहा है सबको, सोरल वगैरह देखो जल्दी से, तो गलती आ रहा है रे? आंसर आंसर इसका आंसर यहाँ 10 थीटा का वैल्यू 1/√3, यहाँ पर 1/2 आ रहा है मेरा, नहीं समझ में आया। यहां से आना चाहिए था √2 × √2, 2 sin थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस में 2 sin थीटा, यहाँ पर 2 क्यों आया? ये फालतू में 2 कैसे चला गया ऊपर में, यहाँ पर L/2 था, तो √2 sin थीटा × 2 sin थीटा × cos थीटा माइनस में 2 sin थीटा × cos थीटा। थोड़ा चेक करोगे एक बार क्या इसको, 10 थीटा एक बार चेक करोगे क्या? ठीक है, ये रॉन्ग आंसर हम निकाले हैं, लेकिन थोड़ा कोशिश करना अपने से घर में ट्राई करने का। ठीक है, हम अब नहीं चेक कर पा रहे हैं क्या गलती हम कर दी इसमें। ठीक है, क्या हम सही फोटो बनाए ना रे? ये लेंथ कितना है, L/2 L/2, तो L/2 का √2, तो ये 2 से √2 में खत्म हो गया, तो L/√2 है ना आएगा रे? ये तो ठीक है ना, ये तो हो गया हमारा AB का लेंथ L/√2, ये हो गया 135 डिग्री, ये लेंथ हमारा L/2 है, तो L/2 sin, हेलो गड़बड़ हो चुका है, ठीक तो है, L/2 sin 45 डिग्री माइनस में इतना, और AB के जगह पे L/√2 sin थीटा, ये भी सही लिखे, चेक कर लोगे एक बार। आंसर जो है करेक्ट आंसर है 10 थीटा का वैल्यू 1/3, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे समझ में आया ना कैसे सॉल्व कर रहा है, एक बार ट्राई कर लेना ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ बोलो 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 क्या, हाँ बोलो ना रे, क्या बोल रहा है आयुष? आयुष 2 मिनट बर्दाश्त करो टॉपिक का, और कुछ नहीं है। ठीक है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट पैराबोलाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग, एक इसको एक पैराबोला को अगर हम घुमा देंगे तो पैराबोलाइड बन जाएगा, है ना? तो जिसमें से कि एक्स बराबर है बेसिकली यहाँ पर ky2, नहीं गलती से लिखा गया, यहाँ से एक्स बराबर लिखा हुआ है के। सपोज करो एक पैराबोला है क्या ये, ऐसा कुछ इसको घुमाओगे तो जो एक इन्वर्टेड है कि पैराबोला है रे? अरे ये मतलब ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है ना, हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। हाँ, और इसके कहानी ये है कि कह रहे इसका जो मान लो कि ये लेंथ जो भी है ना, इसने एक्स लेंथ लेकर रखा है ना, अगर ये एक्स लेंथ लेकर रखा है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो तो ये लेंथ कितना होगा, वाई बराबर x/k√ होगा ना, कह रहा है इस रेडियस का जो बनेगा पैराबोलाइड, आई थिंक तुम लोग को दिखा पैराबोलाइड कुछ इस तरह का घूम रहा होगा, ये पूरा फोटो फील हुआ तुम लोग को, ये जो बनेगा पिक्चर कुछ इस तरह का बनेगा क्या, सॉरी क्या इस ड्रम शेप का बनेगा क्या, तुम लोग को दिखा? तुम लोग फील भी नहीं कर पाते, इतना तो फोटो बता चुके, क्या ऐसा नहीं बनेगा रे फोटो? हाँ, तो कह रहा है इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? कहीं ना कहीं यहीं पर तो होगा, एक्स एक्सिस पर होगा ना। अरे सेंटर ऑफ मास कहीं एक्स एक्सिस पर ना होगा? हाँ, तो क्या निकालेंगे हम, एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास निकालेंगे क्या होता है, एक्स dm/integral ऑफ dm, ये होता है, तो हमको चाहिए होगा एक्स और एक चाहिए होगा dm, सिंपल है बात। अरे ये ना होगा, अच्छा कह रहा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज एच, सॉरी इसका वैल्यू इसने एच कह दिया है ना, इसका वैल्यू एच कह दिया है, तो हमको यहाँ पर जरूरत नहीं था निकालने का ये सब। ठीक है, इसने इसका हाइट कह दिया ऑब्जेक्ट का, एच कितना कह दिया है,
एच, यानी कि वाई के जगह पे लिखा एच, तो एक्स बराबर क्या देखो, तो यहाँ से के एच का स्क्वायर आ जाएगा। अरे ये लेंथ अगर एच है तो ये तो के एच का स्क्वायर होगा। हम कैसे काटें इसको, हम एक काम करें क्या, हम डिस्क में काट दें इसको ऐसे ऐसे किसी भी एक्स जगह पे, पतले पतले से डिस्क। अरे बोलो ना, हाँ ये बताए थे, याद है कि नहीं है, सब चाट गया तुम लोग क्या, डिस्क में इसको ऐसे से काट दें। अरे बोलो ना, हाँ कुछ, अरे याद है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए किसी बॉडी का हम बताए थे, कैसे ऐसे नहीं बताए थे, तुम लोग का तो बैंड बज गया। अरे ये अगर एच है ये लेंथ कितना हो गया, एक्स बराबर के एच का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, ये जो बनाए हैं ध्यान से देखो, फिर से देखो एकदम अच्छे से, ये जो बनाए है ना ऐसा, इससे किसी एच जगह पर जाओ है ना, यहाँ पर एक्स पर गए और एक डिस्क काटे, क्या काटे हम डिस्क कुछ इस तरह का, सही है क्या। किसी एक्स जगह पर जाएंगे और डीएक्स विड्थ का एक डिस्क काट लेंगे, इसका रेडियस आर हो जाएगा, क्या कोई सवाल है किसी को। अरे होगा कि नहीं होगा, तो इसका वजन क्या होगा, इसका वजन किस में होगा, इसके वॉल्यूम में ना होगा। अरे यार कुछ तो बोलो, तुम लोग बैल की तरफ बैठा ले, कुछ तो बोलो रे, इसका वॉल्यूम में होगा ना वजन रे। हाँ तो जो इसका मास लिखाएगा वो मास क्या लिखाएगा, डीएम बराबर रो डीबी ऐसे लिखाएगा क्या। अरे इसके डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बारे में बात होगी कि नहीं होगी। एक्स तो दिख रहा है ना भाई, के वाई का स्क्वायर है, और जो वाई होगा यहां पर तो यही वाई होगा है ना। अब हमको चाहिए डेंस, हाँ हमको चाहिए डीएम, डीएम क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू डीबी सही लिखे हैं क्या। अब रो मान लो यूनिफॉर्म, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का है तो रो तो ठीक है ठाक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स सही लिखे क्या। इसका इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये आर नहीं है वाई मान लो, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, पाई वाई स्क्वायर एरिया होगा इंटू थिकनेस डी एक्स होगा कि नहीं होगा। वॉल्यूम इसका छोटा सा वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, ठीक है बस लिख दो खत्म हो गया। एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे बताओ तो, के वाई का स्क्वायर है ना एक्स के जगह पे, और डीएम के जगह पे रो पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन में बाय डीएम के जगह पे रो पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, और यहां पर लिमिट लगेगा y में, तो y का वैल्यू 0 से लेकर के s तक चलेगा, 0 से s तक चलेगा, लेकिन एक दिक्कत ये होगा कि dx हमको नहीं पता, नहीं पता dx, अरे dx नहीं पता है, अरे यहाँ सब में y है ना, यहाँ पर dx दिख रहा है गलती से, तो हम एक काम करें क्या, क्या क्या हमको यहाँ से x बराबर पाई वाई सॉरी के वाई का स्क्वायर लिखा है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2ky मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे हमको चाहिए था ना डीएक्स, तुम लोग के तो पॉइंट बच गए रे, रो एक्स रो पाई से खत्म हो गया ये। हाँ अच्छा, हाँ वही लग रहा है, पायलट सब है सब देखता ना है, और डीएक्स की जगह पे क्या लिखोगे, 2ky, तो 2k से 2k खत्म हो गया, 0 से लेकर के h तक, 0 से h तक, क्या सॉल्व कर लोगे अब इसको, यहां से k बाहर आ गया, यहां से y पे पावर 5 यानी y पावर 6/6। हाँ कुछ बोल रही थी, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो 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 जल्दी से। अच्छा ठीक है, यहां तक दिख रहा है क्या, ये सॉल्यूशन हमको रेंड करना पड़ेगा, ये सब हो जाएगा ना, के एच स्क्वायर बाय 3/2 ये हो गया आंसर, ठीक है। लेकिन हाँ बोलो क्या दिक्कत आया इसमें, इसमें दिक्कत कहाँ है, दिक्कत ये है सर कि आप काटे कैसे है ना, है ना।
मेरा देखो फॉर्मूला, देखो हम सीधा बात जानते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम बाई इंटीग्रल ऑफ डीएम, इन पढ़े पढ़े हमने यही पढ़ा है ना। हमको चाहिए इसमें से एक्स और डीएम, याद है यही ना बताया दो चीज निकालने के लिए, है ना। एक्स बराबर क्या लिखा है इसने, के वाई का स्क्वायर, पहला बात तो निकल गया। अब हमको चाहिए पूरा डीएम, है ना, क्या चाहिए हमको डीएम। तो डीएम बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। डेंसिटी तक तो ठीक है ठाक है, इसका वॉल्यूम क्या लिखेंगे, तो इसी का ना वॉल्यूम लिखेंगे। ये तो हो गया पाई वाई का स्क्वायर एरिया इंटू विड्थ डीएक्स, क्या ये डीएम हो गया, और ये हो गया हमारा अपना एक्स। लेकिन दिक्कत है कि यहाँ डीएक्स दिख गया है, हम डीएक्स निकाले कैसे, हमको तो एक्स दिख रहा है, डिफरेंशिएट कर देंगे तो डीएक्स आ जाएगा। अब जनरल हो जाओ ये सब चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें सोनल, तो 2ky आ गया, ये हो गया हमारा डीएक्स। सबको पुट कर देंगे, लिमिट लगा देंगे एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक, सॉरी एक्स नहीं ना वाई में बात हो रही है ना, तो वाई का वैल्यू 0 से लेकर के एच तक। क्या यही बनेगा पीछे का सवाल? हाँ कहां पे कहां पे, तुम हाँ डीएक्स के जगह पे 2ky पुट कर दी, एक्स के जगह पे पुट करें। ये देखो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने क्या करा, एक्स के जगह पहले क्या पुट करें, के वाई का स्क्वायर, है ना। और डीएम के जगह पे क्या पुट करें, देखो यहां से रो पाई वाई का स्क्वायर और डीएक्स जगह पे 2ky, अभी ठीक है बात, ये हो गया अपना डीएम, अभी ठीक है ना। अरे डीएम के जगह पे इतना पुट करे हैं ये रो पाई वाई का स्क्वायर इंटू 2ky, अभी ठीक है यहां तक। अरे बोलन रे, कैपिटल एम मास स्मॉल एम मास एल लेंथ, भगवान माफ नहीं करेगा तुम लोग को, है ना, हम नहीं बताएंगे कभी नहीं बताएंगे। अगर ये एम एक्स लेंथ ऊपर जाता है तो ये कितना नीचे आएगा, सीधी बात है ना, इसका सेंटर ऑफ मास नहीं हिलना चाहिए, ये ना बताए थे। तो एम वन एक्स वन बराबर एम टू एक्स टू, ये ना बताए थे, डेल्टा एक्स में बताए थे ना डिस्प्लेसमेंट, ये ना बताए थे जी, अरे ये ना बताए थे। हाँ तो एम वन डेल्टा एक्स वन इक्वल टू एम टू डेल्टा एक्स टू, ये ना था। अगर ये हमारा स्मॉल एम मास एक्स लेंथ ऊपर गया तो कैपिटल एम मास कितना लेंथ नीचे जाएगा, ये ना है। मान लो कि एक्स डैश लेंथ नीचे गया, मान लो कि एक्स डैश लेंथ नीचे गया है ना, तो एक्स डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम एक्स बाय एम हो जाएगा कि नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट बन गया। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों मीट कर जाता है, अगर ये दोनों मीट करता है तो बताओ कि क्या होगा, सीधी बात है ये सेंटर ऑफ मास से पहुंच जाएगा, इसका एक्स का वैल्यू तब कितना होगा। अरे बात नहीं समझ, ये लेंथ कितना, ये लेंथ एक्स डैश हो गया है ना। अगर ये सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बता दो, तो इसका वाई सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वाई सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, एम इंटू जीरो प्लस में कैपिटल एम इंटू एल बाई स्मॉल एम इंटू प्लस में कैपिटल एम, ये हो जाएगा। अरे ये होगा, वाई सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा कि नहीं होगा, कुछ हो तो बोलो रे। कैपिटल एम एल बाय स्मॉल एम प्लस में कैपिटल एम होगा वाई सेंटर ऑफ मास, तो दोनों मीटिंग कहाँ होगा, दोनों का इसी जगह पर ना होगा, है देखो हुआ मीटिंग। जिंगा लाला हूँ जिंगा लाला हूँ, वरे समझ में। अरे इसका मतलब दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रुक गया ना मामला, सेंटर ऑफ इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, तो दोनों पहुंचेगा कहां तक, सेंटर ऑफ मास की तरफ पहुंचेगा, बस खत्म हो गया मामला, ठीक है अभी ठीक है। हो, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है क्या, दिखा कुछ। हाँ चलो इसके इसके दो तीन वर्जन है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं इसका वजन है कितना, कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना इसको। इसका वजन है कैपिटल एम, इसका वजन है स्मॉल एम, क्या वजन ले लेके अलग अलग मास ले लेते हैं,
नंबर में ही खेलते हैं, ठीक है। कितना नंबर ले लें ना, ये मान लेते 80 किलोग्राम का है और ये 50 किलोग्राम का है, चलेगा क्या? और ये लेंथ मान लेते हैं 10 मीटर का है, कितना का है? 10 मीटर का है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी मोमेंट पर अगर हम पिक्चर को एनालाइज करें, किसी मोमेंट पर सोचना, किसी एट एनी एंगल थीटा, थोड़ा देखना कि क्या डिस्कस करने वाले हैं। एट एनी एंगल थीटा पर बात कर रहे हैं, तो जब ये वजन यहां है और किसी एंगल थीटा पर डिस्कस हो रहा है ना, बताओ फोर्सेस कितने लग रहे हैं? क्या बता सकते हो फोर्सेस कितने लग रहे हैं इस पर, ताकि हम आइडिया लगाना चाहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। बता सकते हो फोर्सेस कौन कौन से हैं? सोनल जल्दी बताओ फोर्स कौन कौन सा लग रहा है 50 किलो वाला पे और 80 किलो वाला पे? कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बताओ जल्दी से। 50 वाले पर इधर mg लग रहा है क्या? अरे बोलो रे। हाँ अरे यार, थी ना खींच रहा है, तुम लोग हो करे जा रहे हैं, अकेले खुश हैं अपने आप में। ठीक है सुनो, यहाँ सॉरी तुम लोग को दिख भी नहीं रहा होगा पिछले दिन, है ना। इस वाले में भी इधर लग रहा हो क्या? 80g नीचे, इसमें mg नीचे। यहां पर रस्सी, ये जो टेंशन होगा ना, ये मान लो कि रस्सी है या रॉड है, जो भी है, ये तो इसको खींच रहा होगा इधर की तरफ टी टेंशन से। इधर भी ऐसे करके टी टेंशन लगा रहा हो क्या? एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से लग रहा हो क्या? क्या और कोई फोर्स लग रहा है इसमें बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ और कोई फोर्स लग रहा है? पक्का? देखो ध्यान से, और कोई फोर्स हमको तो नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये भी एंगल थीटा है, तो इसको भी एंगल थीटा ही कह देंगे, है ना। अगर इतना बात तुम लोग को समझ में आ रहा है तो हम कह देंगे सर इधर की तरफ टी कॉस थीटा होगा, इधर की तरफ टी साइन थीटा होगा, चलेगा क्या? क्या इस टी के भी एक कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर की तरफ टी साइन थीटा, इधर की तरफ टी कॉस थीटा होगा क्या? क्या हम ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वाई डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्सेस है क्या? एन है, 80g है, टी कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में देखो, सिर्फ वाई डायरेक्शन में देखो, ऊपर में टी कॉस थीटा भी है, इधर एमजी भी है क्या वाई डायरेक्शन में? लेकिन एक्स डायरेक्शन में देखो, जितना टी कॉस थीटा आगे लग रहा है उतना ही टी कॉस साइन थीटा, सॉरी टी साइन थीटा जितना आगे लग रहा है उतना ही टी साइन थीटा पीछे लग रहा है क्या? ध्यान से ऑब्जर्व करो, इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन क्या है? एफ नेट बराबर क्या है? है क्या? और जैसे ही एफ नेट जीरो हो गया तो हम ये बात कह सकते हैं और लेट कर ले रहे हैं यहां पर कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी तब जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगा, इसका मतलब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स सेंटर ऑफ मास भी जीरो, क्योंकि ना ही फोर्स लगा है एक्स में, ना ही एक्सेलरेशन है एक्स में, ना ही वेलोसिटी है एक्स में, तो सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस नहीं करेगा। कितना को नहीं समझ में आया पूरा कहानी, जल्दी बताओ ये पूरा बात अब समझ में आया कि हम कैसे कर पा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो? कि फिर से हम बता दें ये पूरा कॉन्सेप्ट, सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो अगर हम बता सकते हो कि एक्स सेंटर ऑफ मास बेसिकली यहां पर कितना है, हम कह देंगे सर 80 × 0 प्लस में 50 × 10, चलेगा ना, बाई 80 प्लस में 50, ये हो गया हमारा 500। हाँ क्या काम है, क्रीम नहीं आ रहा है तुम? हाँ अब ठीक है, फट ऊपर जा, भाग जा रहा नीचे। क्या यहाँ पे ठीक है, एनिमेशन बनाने में है ना हालत खराब हो गया था मेरा और मेरे भाई का, ठीक है। अच्छा तुम लोग को एनिमेशन से फील हो गया ना इस टॉपिक में, हम इसलिए सिर्फ एनिमेशन से पढ़ाना चाह रहे थे, बहुत साल से हमको खुद भी अपना फील होता था, स्टूडेंट को फील करवाने में मेरा हालत खराब हो गया था। क्या तुम लोग को फील हो पा रहा है अब? अरे पिछला क्लास तो कंप्लीट एनिमेशन में पढ़ाए हैं, कंप्लीट एनिमेशन में पढ़ाए हैं तुम लोग को, है ना, तो आज भी आई थिंक फील होना चाहिए, है ना। वो जो पुल्ली वाला था ना, वो जो पिछले क्लास में जो डबल पुल्ली का मोशन दिखाए थे, हालत खराब हो गया तो उसको एनिमेशन देने में। खैर मजा आया था, लेकिन तुम लोग सीखे उसको, सीख लो पास कर लो, मजा आ जाएगा बस, कुछ नहीं, देखो
क्या सही बनाएगा फोटो, गड़बड़ हो गया। क्या तुम लोग को दिख रहा है क्या कि जैसे ही ये फाइनली यहाँ पहुंचेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया? देखो तो सेंटर ऑफ मास कहीं इसी डायरेक्शन में आ गया। एक्स में बात करो, हम वाई में नहीं बात कर रहे, एक्स में यहाँ आ गया ना पहले। देखो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यही कहीं ना कहीं इसी लाइन पर होगा, वाई भी एक्स में तो यही हुआ है ना। ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ इतना खसका है, ये वाला ब्लॉक इतना ही नीचे आएगा। अगर मान लो कि एक्स इधर गया तो ये कितना इधर जाएगा, टेन माइनस में एक्स इधर जाएगा। नहीं समझ में बात, अगर 80 वाला x इधर जाता है तो 50 वाला कितना इधर जाएगा, 10 माइनस x। देखो तो देखो 50 वाले को कितना x कितना गया, 10 माइनस x गया। अरे बोल रहे हाँ, ये 80 वाला, 80 वाला देखो, 80 वाले को देखो x आगे बढ़ा, ये 10 माइनस x पीछे आया, गया ना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या लिखोगे, इसका मतलब लिखोगे इसमें, हाँ रुक जाओ थोड़ा। इसका मतलब क्या सीखे हम लोग कि m1 डेल्टा x1 इक्वल टू m2 डेल्टा x2। इसका मतलब क्या हो गया यहां से, ये दो पेज गिर है, हाँ ठीक तो है। इसका मतलब क्या हो गया देखो तो कि m1 कितना हो गया, m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 80 इंटू एक्स एन हो गया जी, इज इक्वल टू दूसरे का कितना, 50 इंटू 10 माइनस में एक्स। सही है क्या, x बता दोगे यहां से, 80x इक्वल टू 500 माइनस में 50x, x का वैल्यू कितना हो गया, 500 बाय 130। अरे ये तो कुछ निकाले थे ना अभी, क्या ऐसा कुछ निकाले थे ना अभी, पीछे देखो तो ये कैसे हुआ, क्योंकि सर फाइनली देखो कि ये बॉडी कितना आगे बढ़ेगा, ये तो सेंटर ऑफ मास के पास ना चल जाएगा ये मामला। देखो अगर वर्टिकल हो गया पूरा पूरी, ये सेंटर ऑफ मास के पास चल जाएगा कि नहीं चाहेगा, अरे ये सेंटर ऑफ मास के पास पहुंच गया सीधे सीधी, और हमने निकाला भी तो था एक्स सेंटर ऑफ मास। अभी ठीक है, फील हो रहा है पूरा कहानी अब तक तो, कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन क्या था इसमें, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 80 केजी रिंग व्हेन रॉड गेट्स कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाए। मजा आया तुम लोग को, चलिए बताओ क्या आया, अरे बोलो रे हाँ, अभी भी नहीं आया तो बताओ। ये तो सिंपल था ना, ये सवाल तो बनाना सिंपल था ना। इसमें देखो इसमें क्या कहानी है, इस वाले में हम ये चाहते हैं, इस बार फोटो गलती से इधर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ 80 केजी ब्लॉक, ठीक है, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट 37 डिग्री टू 53 डिग्री, ठीक है, 37 से 53 डिग्री तक पहुंच रहा है। बात समझ में आया कि पहले 37 पर था, अब कहां पहुंच गया, 53 डिग्री पर। तो यहां से ये रिलीज ही हुआ है, ये यहां पहुंचा है, तो यहां से यहां तक जब पहुंचेगा तो वो कितना आगे बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे सबको समझ में आया कि नहीं आया, 37 से रिलीज करे और 53 पर मामला पहुंच जाए, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ये सवाल तो एकदम एक्सट्रीम लेवल हो गया, एकदम सीधे ही गिर जाए। मेरा सवाल ये है कि सर 37 से रिलीज करे 53 पर पहुंचे, और उतना देर में ये जब नीचे गिरेगा तो वो कितना आगे बढ़ेगा, क्या सवाल हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे ऐसा हो सकता है ना सवाल। एक और सवाल क्या हो सकता है कि सर जीरो से वहां से रिलीज करें, मतलब इसी जगह से रिलीज करें और 53 डिग्री तक पहुंचे तो कितना ये आगे बढ़े।
ये भी सवाल हो सकता है 37 पहुंचने पर कितना सवाल, पूरे इससे मल्टीपल क्वेश्चन आप बना सकते हैं क्या अगर हम ये वाला सवाल बना लिए तो। अरे समझ रहे हो बात को, चलो हम देखते हैं। तुम लोग तो पहले सब कुछ बोलेगा नहीं, और ये 50 केजी ब्लॉक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि ये इस सिचुएशन में जब रहेगा, ये 10 केजी है, ये 10 मीटर है, तो ये लेंथ कितना है बता सकते हो, क्योंकि ये तो नीचे आ रहा है ना, और ये सर्कल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, ये तो ऐसे आ रहा है ना। अरे यार मेरा बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, तो ये अगर सर्कल में घूम रहा है तो हमको ये सर्कल में तो नहीं कंप्लीट घूमेगा, पहले मेरा ये बताओ कि ये लेंथ है कितना। तो टेन का कॉस 37 डिग्री है, और ये लेंथ कितना होगा अगर हम इसको ए बी लेंथ कह दे, है ना, इसको सी लेंथ कह दे, ए बी का लेंथ कितना होगा, टेन कॉस 37 डिग्री, मतलब टेन कॉस 37 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया ना, और तो 37 इसको कहते हैं, इसको 53 डिग्री बोलते हैं, याद है ना। तो cos 37 मतलब 4/5, सही है क्या, यानी कि 8 मीटर का डिस्टेंस हो गया ये लेंथ, यहां से तक का लेंथ कितना हो गया 8 मीटर, बात समझ रहे हो। अरे हुआ कि नहीं हुआ, और AC का वैल्यू हो गया 10 cos 53 डिग्री, तो यहां से लिखेंगे 10 into cos 53 का मतलब 3/5, तो 3/5 यानी 6 मीटर हो गया ये लेंथ, यानी कि पहले ये जो लेंथ था 8 मीटर था, अब ये 6 मीटर पहुंच चुका है, बता सकते हो कि ये लेंथ कितना इधर खसका, पहले ये 8 था, अब ये लेंथ 6 हो चुका है, तो इधर ये कितना खसका, भावनाओं पर कंट्रोल रखो ध्यान से, क्या ये लेंथ 6 मीटर हुआ कि ये लेंथ 6 मीटर हुआ, कौन सा लेंथ 6 मीटर हुआ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा लेंथ 6 मीटर हुआ। अरे बाबा ये लेंथ हम है ना, ये लेंथ हमको पता है ना, ये लेंथ तो भाई 10 ही है ना, ये लेंथ तो 10 ही है ना, है ना, ये लेंथ तो 10 ही है, तो ये लेंथ ना मेरा घटा होगा 8 मीटर रहा। अरे हुआ कि नहीं हुआ, और ये लेंथ अब हो चुका है 6 मीटर, ये ना लेंथ हो चुका है 6 मीटर, तो ये इतना कितना खसका इधर से 2 मीटर खसका क्या, अरे है ना, तो यानी कि 50 केजी ब्लॉक कितना खसका, बोलो जल्दी से, माइनस में 2 मीटर एन हुआ जी, इसका मतलब ये हो गया 80 इंटू एक्स, एक्सी वाले को ही पूछ रहा है, इज इक्वल टू 50 इंटू 2, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 100/80, मजा नहीं आया, तो 5/4 मीटर, समझ में आया कि नहीं आया, क्या आप बना लोगे आगे सवाल, हम बनाए, अरे वो तब हुआ ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। अरे ओ विकास चंदेरी, हरिभजन सिंह, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर, देखो ध्यान से क्या हुआ, इसमें देखना ध्यान से, कुछ हुआ क्या, अरे बोलो रे, हाँ ये देखो कुछ फील हुआ, देखो ध्यान से एक बार और ऑब्जर्व करो, एक बार और ऑब्जर्व करो, ये ऊपर में जो है ना बर्फ है, बर्फ है वो पिघल करके ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, बर्फ पिघला ऐसा बना, हाँ बर्फ पिघल करके, हाँ बर्फ पिघल करके पानी बन रहा है, तो कंटेनर ऊपर उठ गया क्या, बर्फ पिघल करके पानी बन रहा था, कंटेनर उठते हुए तुम लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, देखो यहाँ, यहाँ कंटेनर देखो यहाँ था, ये बर्फ यहाँ है ना, आप देखो ध्यान से, क्या तुम लोग को दिख गया, क्या दिखा, कंटेनर इतना उठा है, कंटेनर एक्स से उठा है, क्या तुम लोग को दिख गया,
और बर्फ कहाँ है, बर्फ बेसिकली एज्यूम कर लो कि बर्फ यहाँ है ना, बर्फ यहाँ है ना, बर्फ का तो मिडिल पॉइंट होगा ना ये, अरे होगा ना रे, बात समझ में आया। तो बर्फ पिघला, बर्फ का सेंटर ऑफ मास तो उसी डायरेक्शन में ना रह जाएगा, बर्फ तो हिलेगा भी नहीं, क्या लेके चला गया उसने, पूरे के पूरे ट्रे को ऊपर खींच लिया, बात समझ, ताकि ये सिस्टम मेरा रेस्ट में ही रह जाए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो रे हाँ। अरे पहले एज्यूम कर लो, देखो ट्रे का सेंटर ऑफ मास मान लो कि यहाँ है, मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ट्रे का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, आइस का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, दिख रहा है क्या? ये ट्रे का सेंटर ऑफ मास है और ये आइस का सेंटर ऑफ मास है, दिख रहा है क्या? अरे बुलन रे हाँ हाँ। इससे क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास अब हकीकत में क्या हुआ, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करा है क्या, है ना, तो यही पूछ रहा है कितना ये शिफ्ट कर गया, बात समझ में आया। तब पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कह रहा है कि अंडर ग्रेविटी ट्रे ऑफ मास एम, पढ़ रहे हो ना सब कोई, कैरिंग अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास एम एंड एज एल, जो क्यूबिकल ब्लॉक था, ये जो क्यूबिकल साइज शेप का है ये पूरा का पूरा, इसका लेंथ वगैरह दे के रखा है इसने एल, है ना, क्यूबिकल है, इट रेस्टेड इन द मिडल, ये मिडिल में रुका हुआ है, इफ आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, है ना, बाय व्हाट डिस्टेंस द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रे प्लस आइस सिस्टम डिसेंडेड, है ना, कितना से वो सेंटर ऑफ मास इसका नीचे आ जाएगा, ये सवाल था। मेरा बात समझ में आया? एक्चुअली हम गलती करे हैं इसमें कि इसको नीचे नहीं लाना चाहिए था, मेरा बात समझे, क्योंकि ये ट्रे नहीं नीचे है, ट्रे नहीं जाएगा वो सिर्फ, मेरा बात फील कर पा रहे हो, हम गलती से एनिमेशन में हम ट्रे को ऊपर लेके चले गए, ट्रे नहीं उठेगा क्योंकि ग्रेविटी वाला सिस्टम है ना। अरे समझ में आया कि बात नहीं, कि नहीं आया? अरे बोलो रे हाँ हाँ, ग्रेविटी है ना, तो ट्रे नहीं आ रहा है, बस ये पिघला तो पानी नीचे आ गया, बस इतना ही कहानी हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ, मान लो कि ऐसे था, इसी में फोटो समझाते हैं, इसका सेंटर मास यहाँ था क्या, है ना, ट्रे मान लो, है ना, ट्रे का मान लो कि यहाँ है ना, यहाँ पर है, अगर पानी पिघल जाएगा पूरा, पानी अगर पिघलेगा तो सेंटर ऑफ मास इसका नीचे आ जाएगा क्या? अरे इस ये वाले का पानी का जो आइस क्यूब, अगर आइस पूरा मेल्ट कर गया, मान लो यहाँ आइस मेल्ट कर गया, इतना आइस हो गया, ये पूरा का पूरा पानी बन गया इतना, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास अब यहाँ आ चुका है कि नहीं आया, है ना, तो बेसिकली ट्रेन नहीं ऊपर जाएगा, हम गलती एनिमेशन बना दिए थे, हम पढ़े नहीं क्वेश्चन को, ठीक है चलो ठीक है सॉरी इसके लिए, तो लोग गलती समझा दिए उसमें। अगला क्वेश्चन है इधर, है ना, यहाँ पर देखो यहाँ जो हुआ है इसके लिए वो था, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन हम लिए हैं इसमें, आगे बढ़ा जाए एम है हाँ, इसका क्यूब का वजन एम है और इसका लेंथ एल है, कह रहा है कि इससे क्या होगा, बताओ सोच के देखो क्या होने वाला है, कि अगर ये वजन एम है और ये एल लेंथ है और पूरा का पूरा कह रहे ना एम क्यूबिकल ऑफ इतना एज एल रेस्ट इफ आइस मेल्ट्स बाय द व्हाट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड ट्रे प्लस आइस सिस्टम डिसेंडेड, बता सकते हो कितना होगा? एक छोटा सा हमको लग रहा है इसमें गड़बड़ क्या है, कि इसका हाइट नहीं दिया है ना, बेसिकली इसका सेंटर मास हमको पता नहीं है, इसका सिर्फ ट्रे का वजन एम दे दिया है ना, इसका सेंटर मास दिया नहीं है, तो इसका ही ना सेंटर ऑफ मास नीचे, मान लो कि पूरा का पूरा फैल गया, ये हो सकता है क्या, अगर पूरा ही फैल जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास सीधे नीचे आ जाएगा क्या, अगर मान लो पूरा पानी यहाँ फैल गया ऐसे करके, ठीक है, इसका पूरा ही सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा क्या, अरे बोलो रे हाँ, क्योंकि यहाँ ट्रे का शेप नहीं दिया है इस सवाल में, ठीक है, अंडर ग्रेविटी लिख दिया है, ट्रे का जो लेंथ है वो दिया नहीं है, मेरा बात फील कर पा रहे हो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये एल लेंथ वगैरह दिया नहीं है ना, इसका लेंथ हमको हो सकता है पता नहीं है, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो पूरा का पूरा अगर पानी पिघल ही जाएगा ट्रे के ऊपर तो ऐसे फैल जाएगा ना, तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास का एल बाय टू लेंथ पर था तो पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास नीचे आ जाएगा, है ना, तो सीधा सी आंसर हो गया इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया इसमें एल बाय टू,
ठीक है यहां तक, ठीक है ना। चलो इसमें देखते हैं, इस बार है कंसीडर द ग्रेविटी फ्री हॉल, इस बार ग्रेविटी फ्री हॉल है, ठीक है। अगर ग्रेविटी फ्री हॉल है तो सोच के देखो क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा जो आइस है वो पिघलेगा तो वो नीचे सेटल डाउन करेगा, पहला लाइन ये बताओ। जब ग्रेविटी फ्री है तो ग्रेविटी के कारण ना ये पिघल करके नीचे आया था, इतना फील कर पा रहे हो बात? कोई चीज पिघल करके नीचे क्यों सेटल डाउन हुआ? तो उसको ग्रेविटी खींचा है ना, ये पिघल रहा है तो वो वही रह गया। देखो सही बनाया क्या फोटो, इस बार एनिमेशन ना पक्का सही बनाया, बनाए ना, ये पिघल करके जहां का तहीं रह गया, इसका सेंटर ऑफ मास यही है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं हिला। हाँ, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, समझ में आ बात? क्योंकि ट्रे भी नहीं ऊपर जाने वाला और ये तो पूरा का पूरा ऐसे फैल जाएगा यहां से यहां तक, नहीं फैलेगा, पानी पिघल जाएगा इस पे, बैठा दिमाग में बोलो। हाँ चलो ठीक है, हो गया। अब हम ये बनाए कि तुम लोग बना लोगे, हम ही बनाएंगे, पाप तुम लोग को लगेगा, ठीक है। कह रहा है ए और बी ऑफ इक्वल मास आर प्रोजेक्टेड समवेयर, वन फ्रॉम द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड अनदर फ्रॉम, ये 50 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से फेंक रहा है और ये फेंक रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। बस यही कहना चाह रहा है, इसका भी वजन एम दिया, इसके वजन एम दिया, अगर दोनों का वजन एम है सेंटर मास बीचे बीच होगा, बोलो हाँ। अरे ये भी वजन एम है सेंटर मास, यहाँ सेंटर मास कहाँ होगा, कितना हाइट है रे, हाइट कितना 40 मीटर ना, ये हाइट दिया 40 मीटर, दिख रहा है क्या, है ना। जैसे ही रिलीज करेंगे दोनों बॉल गया ऊपर नीचे आ गया, ठीक है क्या। तो कह रहे कि सेंटर ऑफ मास, बेसिकली सेंटर ऑफ मास का रफ्तार बता दो, यस है ना, सेंटर ऑफ मास का रफ्तार बता सकते हो, चलिए बताओ। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास m1 v1 प्लस में m2 v2, याद है, कुछ नहीं याद है तुम लोग को, m1 प्लस में m2 ये होता है, ये सेंटर ऑफ मास बेसिकली किस रफ्तार से भाग रहा है, हमको ये निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे यार ये दोनों बॉडी बॉडी को, दोनों बॉडी को रिलीज करेंगे, सेंटर ऑफ मास किस रफ्तार से ऊपर भागा, तो पहले सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो देख लें। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या, एम इंटू वी वन कितना है 50 है ना, प्लस में एम इंटू कितना है 30 ना, बाय 2 m है ना, कितना हो गया 50 30 80/2, 40 मीटर पर सेकेंड हुआ कि नहीं हुआ। तो सेंटर ऑफ मास ये क्या है, सेंटर ऑफ मास का रफ्तार कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, बता सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होने वाला है? तो पहला बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड जी हो गया क्या? अरे यार तुम लोग तो आवाज ही नहीं निकल रहा है रे, ओहो अरे बोलन रे, तो क्या मिला माइनस में जी, यानी कि सेंटर ऑफ मास को रफ्तार भी मिला माइनस में जी, इनिशियल रफ्तार फॉर सेंटर ऑफ मास, फॉर सेंटर ऑफ मास यू सेंटर ऑफ मास कितना मिला 40, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या मिला माइनस में जी, है ना, दो चीज मिल गया। अरे मिला ना रे, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या मिलेगा, जीरो, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। तो पूछ रहा है एच सेंटर ऑफ मास क्या होगा मैक्सिमम, याद आया यू स्क्वायर बाय 2g कर सकते हैं सीधा सीधी, है ना, तो यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 × 40/2g, तुमको जैसे पसंद में आता है तुम लगा लो, बी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, हाँ तो वो उसे बना लो, है ना, 2 × 10 2 से 8 2 से 2 4, हाँ 80 मीटर, सही है क्या, तुमको जो पसंद है वैसे लगा लो, क्या समझ में आया? बेसिकली मेरा सवाल ये नहीं था कि दोनों ब्लॉक कैसे, ये देखो मेरा सवाल अभी तक हम लोग पढ़ के आए थे कि ये दोनों ब्लॉक कैसे जाएगा नहीं जाएगा, मेरा अब सवाल है कि सेंटर ऑफ मास किस रफ्तार जगह, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ऐसे करते हुए यहाँ पहुंचा, तो मेरा सवाल ये था कि एच सेंटर ऑफ मास ये बताओ कितना है, क्या तुम लोग को फील हुआ सवाल क्या था? अरे बोलो ना लदभेदर सर, अगला टॉपिक है हमारा कॉलिजन, क्या है कॉलिजन, सबसे इजी टॉपिक, अगर हम इसका सवाल अभी के अभी तुमसे हम बनाना स्टार्ट करें सिर्फ क्वेश्चन, तुमसे सारा सवाल बनेगा, अभी हम जो पूरा स्क्रीन दिख रहा है इस पर सिर्फ हम दो तीन को बात लिख देंगे सारा बात तुमको समझ में आएगा और सारे सवाल बनेंगे, लेकिन समझ लो बात को, कॉपी भरना चाहिए, समय पार होना चाहिए, इस तरह से चीजों को खींचेंगे, कोई दिक्कत?
अरे आधा घंटा, 2-3 दिन लगेगा अभी, ये टॉपिक आसान थोड़े ना। खुश हो गया तुरंत। अरे हम बोले ना कि बिना पढ़े भी ये चैप्टर का सवाल बना सकते हैं हम, ठीक है? अब बनवा लेंगे तुमसे हम, टेंशन नहीं लो। तो तुम ही खुद बोलोगे सर इतना पढ़ने का क्या मतलब था, ठीक है? तो एक दो चीज है यहाँ पर। पहला बात तो हमको पता है कि एफ नेट सिस्टम पर अगर नहीं लगेगा, याद है ना, तो क्या होता है? अगर नहीं लगेगा तो डीपी ऑफ सिस्टम क्या होता है? बाई डी टी, याद है ना, ऐसा होता है, वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? कंजर्वड हो जाएगा क्या? याद आया कि नहीं आया? अगर फोर्स नहीं लगेगा तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्वड रहेगा। इतना गाना हम लोग बहुत बार गा चुके हैं। अगर सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। खत्म, कोई सवाल? ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कह दें कि एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन बराबर जीरो, देन पी नेट इन एक्स डायरेक्शन इज कंजर्व्ड होगा। अगर एफ नेट इन वाई डायरेक्शन बराबर जीरो, देन पी नेट इन वाई डायरेक्शन बराबर कंजर्व्ड। सिंपल है क्या? अब इस पूरे मोशन को समझने के लिए, पूरे पिक्चर को समझने के लिए छोटा सा कितना हम जगह खींचे हैं जी, ठीक है? हाँ, ठीक है। तुम लोग को एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या? एक सिंपल सा चीज है, इसका वजन हमने लिया है M1, ठीक है? इसका वजन है M2, ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, और एक स्प्रिंग है रखा हुआ। क्या तुम लोग को दिखा? क्या तुम लोग को इतना बात दिख गया? और इसको हमने ध्यान समझना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो हो रहा है। इस पे खूबसूरत सवाल बना सकते हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है इसको समझो। ये यूरोप तार से आ रहा है और ये अभी शुरुआत में हम रेस्ट में मान ले रहे हैं, ताकि तुम लोग को दिमाग में स्ट्रेस ना दे, ठीक है? अब सोच के देखो, जैसे ही ये यूरोप तार से आएगा तो स्प्रिंग को धक्का मारेगा, और स्प्रिंग है हमारा मसलेस। स्प्रिंग क्या है? बोलो इसे, मसलेस है। क्या इस सिस्टम का अभी इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी टोटल कितना है? सर हाफ एम यू स्क्वायर है क्या? प्लस ये तो रेस्ट में है, जीरो है क्या? M1 U का स्क्वायर प्लस में M2, हाफ M2 स्क्वायर तो जीरो ही है। क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है क्या? इसका पोटेंशियल है इसके पास? अरे स्प्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है? स्प्रिंग अभी अनस्ट्रेच कंडीशन में है ना? अरे रखा, हाँ नहीं है, खत्म। कोई सवाल किसी को? अब ये आ रहा है, देखो देखो, M1 मास A जो A ब्लॉक है वो U रफ्तार से आ रहा है, स्प्रिंग के पास पहुंचा। पहुंचा स्प्रिंग के पास, अभी भी कुछ हुआ है इसमें? अरे अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ये B ब्लॉक है, इसका रफ्तार कितना है? U। अभी सिर्फ सट्टा है, क्या है इसमें? सट गया है। सटेगा थोड़ा देर के बाद क्या होगा सोच के देखना, अगला पिक्चर में दिख रहा है क्या? अरे बोलो रे लद भाई सर, सब कुछ नहीं बोल रहे लोग। अभी क्या होगा इस सीन में बताओ? हाँ, ये कंप्रेस करना स्टार्ट करेगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जैसे ही कंप्रेस करेगा तो यहां से स्प्रिंग क्या बोलेगा? तो हमको काय धक्का मार रहे हो, तो फोर्स से लगाएगा क्या? क्या? और यहां पर स्प्रिंग उतना ही फोर्स इधर लगा देगा। स्प्रिंग में दोनों साइड इक्वल और अपोजिट फोर्स लगता है, इसका वैल्यू के एक्स होता है, याद आया? इतना तो दिख रहा है सबको, इतना बराबर हो जाएगा के एक्स। इस चक्कर में क्या होगा कि ये जो फोर्स लग रहा है इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका रफ्तार बढ़ेगा घटेगा? ए वाले ब्लॉक का रफ्तार बढ़ेगा घटेगा, इतना तुम लोग को दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी बताओ। ए वाले ब्लॉक का रफ्तार घटा कि बढ़ा? घटा। अगर हम ये कह देते हैं कि इसका रफ्तार हो गया v1, कितना हो गया? v1 - कह देते हैं, कह दे क्या? और बी वाले का रफ्तार जीरो से बढ़ा होगा, क्योंकि तो बी वाले को धक्का मिल गया है, इसका रफ्तार v2 कह दे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्प्रिंग कंप्रेस भी हुआ है, देखो ध्यान से, तुम लोग को एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, ये ज्यादा जोर से हम कंप्रेस करें और ये कम ही डिस्टेंस आगे बढ़ा है। तो अभी इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी जो है टोटल, वो बता सकते हो कितना है? तो हाफ ऑफ M1
वी वन डैश का स्क्वायर है कि नहीं है, हाफ ऑफ एम टू वी टू डैश का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ। गुड, मजा आ गया। अगर तुमको पूछे टोटल एनर्जी बता दोनों को जोड़ के, लिख दोगे क्या नहीं लिखोगे? अरे बुलन रे, हाँ। अगला सिचुएशन देखो, ये है मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट, क्या है ये वाला सिचुएशन है, ये है मैक्सिमम कंप्रेशन स्टेट, यहां पर अब हो चुका है मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है, ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है, अब ये मैक्सिमम कंप्रेशन के समय क्या होगा, स्प्रिंग अब पूरा जोर लगा दिया होगा फोर्स लगा करके, है ना। अरे जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो चुका है तो ये अभी भी रफ्तार कुछ चल रहा होगा, इसका रफ्तार मान लेते हैं भी जीरो हो गया, है ना। अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन पर है, अच्छा यहां से एक छोटा सा चीज हम लिखना छोड़ दिया, भूल गए, यहां से लिख देते हैं छोटा सा चीज कि सर V1 डैश जो है वो कम है U से, है क्या, और V2 डैश जो है वो जीरो से बड़ा है, क्या ये बात तुम लोग को दिखा, तुम लोग ना बोले थे V1 डैश कम है U से। अच्छा एक और बात बताओ, V0 का क्या सीन है, V0 जो होगा वो क्या होगा, ये V1 डैश से और कम होगा, ये तो भी, अरे ये तो इसका रफ्तार फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है उल्टा, इधर से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स का रफ्तार घटाते जा रहा है, यू से भी वन डैश कर रहा और भी जीरो कर दिया, तो भी जीरो जो है सॉरी ऐसे लिख देते हैं, भी जीरो इज लेसर देन भी वन डैश, सही है क्या। और अगर ये मैक्सिमम कंप्रेशन पर है तो इधर से फोर्स भी अपना मैक्सिमम लग चुका होगा, तो ये जितना सोच के देखो, ये अपना रफ्तार यू से घटाते हुए भी जीरो तक पहुंचा है, क्या तुम लोग को दिख रहा है, ए वाले ब्लॉक का रफ्तार यू से घटते हुए भी जीरो तक पहुंचा है और बी वाले का रफ्तार जीरो से बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते एक ऐसन जगह पर आ जाएगा क्या कि इसका भी रफ्तार भी जीरो हो जाएगा, क्या तुम लोग को फील हुआ यह बात, इसका रफ्तार मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड था, इसका जीरो था, 10 से घटते हुए घटते हुए घटते 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 मान लो कि 6 पर पहुंचा, तो ये भी 0 से बढ़ते हुए बढ़ते बढ़ते 6 पर पहुंच गया, और जब ये दोनों का दोनों सेम रफ्तार पर जा रहा होगा, कॉमन वेलोसिटी पर जा रहा होगा, तो उस समय स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पर होगा, क्योंकि अब तो ना तो ये कंप्रेस कर पाएगा ना ही बी धकेला पा रहा है उस समय, क्या तुम लोग को फील हुआ। हाँ, तो यहां पर वी नॉट क्या हो गया, ये कॉमन वेलोसिटी, क्या हो गया, ये कॉमन वेलोसिटी एट मैक्सिमम कंप्रेशन, इसको हम लिख देते हैं एक्स मैक्स, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बता सकते हो इस समय काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, के टोटल कितना होगा बताओ इस समय इस स्टेट पर, हाफ ऑफ एम वन वी नॉट का स्क्वायर, सही है क्या, प्लस में हाफ ऑफ एम टू वी नॉट का स्क्वायर, है ना, और यू बराबर क्या लिखोगे, हाफ ऑफ के एक्स मैक्सिमम का होल स्क्वायर कर देंगे क्या। एक और बात तुमसे सिर्फ इतना ही, देखो चार स्टेप में हम तुमसे पहला सवाल पूछते हैं, क्या काइनेटिक एनर्जी हर जगह सेम है, क्या चारों स्टेप में काइनेटिक एनर्जी सेम है, अगर ये जो चल रहा है ये बात तुम लोग के दिमाग में बैठ गया, कोलिजन उड़ा दोगे, एक एक सवाल तुमसे बनेगा, चाहे धरती हो कोई भी सवाल हो, इसलिए ध्यान से इस बात को फिर से सुनो कि शुरुआत से क्या हुआ, शुरुआत में पहले ये था, अब क्या ही काहे के लिए मिटा दिए, है ना, यहाँ तक ठीक है ना, चारों स्टेप में शुरुआत में भाई एनर्जी तो कांस्टेंट रहता है ना हर जगह, अरे एनर्जी कांस्टेंट है तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी जितना है उससे तो कम काइनेटिक एनर्जी है थर्ड वाले में, क्योंकि कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी बर्बाद हो चुका है ना, और सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कहाँ है इस जगह पर, जबकि मैक्सिमम, हाँ जबकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो चुका है, क्या सबको इतना बात फील हुआ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी घट रहा है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते भी मैक्सिमम कंडीशन पर आ चुका है, अब बोलेगा बहुत हुआ अत्याचार अब की बार पोटेंशियल एनर्जी की सरकार, अरे होगा ना रे, अरे होगा कि नहीं होगा, अब स्प्रिंग बोलेगा अब हमको जो प्रेस करके रखे हो अब हम इसको खींचे, अपना शरीर बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा क्या, देखो बढ़ा लिया, बढ़ाया ना, लेकिन अभी भी ये आगे भागेगा,
ए वाले का रफ्तार अब हम कर देते हैं, क्या बोल देते हैं, वी वन डबल डैश कर देते हैं इसको, और इसका रफ्तार कर देते हैं वी टू डबल डैश कर दे। क्या क्या अब हम ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं इस कंडीशन में, जो वी वन डबल डैश है वो और कम हो जाएगा वी नॉट से, क्योंकि अभी भी स्प्रिंग उल्टे फोर्स लगा रहा है ये पर, और अभी भी इसको आगे ही धकेल रहा है। वी वन डबल डैश और कम हो जाएगा वी वन वी जीरो से, और वी टू जो है ये अपना, सॉरी यहां लिख दिया गलती से, क्या तुम लोग को फील हो रहा है मेरा बात जो हम बता रहे हैं? तो वी टू डबल डैश जो है वो बड़ा हो जाएगा वी नॉट से, अब तो रफ्तार बढ़ गया। अब क्या कंडीशन होगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब अब छोड़ने छोड़ने का स्थिति में होगा, है ना, इसका रफ्तार मान लो कि वी वन हो गया है और इसका रफ्तार वी टू हो गया है, और वी वन जो है और कम हो चुका है वी वन डबल डैश से, और वी टू जो है और बढ़ चुका है वी टू डबल डैश से, चलेगा क्या? ऐसा और अब क्या हुआ, छोड़ दिया, क्योंकि इसका रफ्तार बढ़ चुका है, अब तो ये रिलीज हो चुका है ना। ये बात फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ये तो कॉमन वेलोसिटी था, छे छे, अब छे के बाद ये सात, ये पांच, फील हुआ बात? अरे ये 10 से घटते हुए 6 तक पहुंचा था, 6 के बाद 5, ये 0 से 6 पहुंचा था, 6 के बाद 7 ही ना होगा। ये तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका रफ्तार कम हो गया, ये अपना V1 से निकल गया और ये V2 से निकल गया, और इस समय फिर से क्या हो गया, एक्स। कोई सवाल? अरे बोलो रे। हाँ, अब क्या काइनेटिक एनर्जी है, हाफ ऑफ M1 V1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ M2 V2 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। हाँ, स्प्रिंग में तो अभी कोई कंप्रेशन वगैरह नहीं है। क्या अब हम पूरे होल प्रोसेस के दौरान अगर हम पूछें कि काइनेटिक एनर्जी पहले घटा फिर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते बराबर हो गया शुरुआत के, हुआ क्या, क्या हम ये कह सकते हैं हाफ ऑफ M1U का स्क्वायर जो है वही हाफ ऑफ M1V1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ M2V2 का स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? अगर सिर्फ ओवरऑल पूछे तुमसे इस पूरे प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, कोई लॉस हुआ ओवरऑल सीधा सीधी देखा जाए तो, लेकिन अगर पूछे ड्यूरिंग द प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी में पहले घटोतरी फिर बढ़ोतरी, एकदम एक एक बात तुम लोग को दिख गया। अब इस पूरे प्रोसेस के तीन हिस्से हैं, या तो देखो सुनना बात को ध्यान से, क्या तुम लोग को दिख रहा है ना सब चीज अच्छे से? अब ध्यान समझो कि कहानी क्या था, कि अगर स्प्रिंग था दो बॉडी है ना, अभी एक बॉडी है, एक बॉडी ऐसे आया, आया हम दिख रहे हैं ना अच्छे से, ऐसे आया ये, ऐसे आया ऐसे कंप्रेस करा, कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस करते करते ऐसे पूरा का पूरा जब कोलिजन हो रहा है तो उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, क्या आया, ये डिफॉर्मेशन आया ना, हाँ डिफॉर्मेशन आया। अब डिफॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, उसके शेप में चेंज आ चुका है, उस शेप में चेंज के चक्कर में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्या आ जाएगा इसमें, और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ चुका है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को फिर वो रिलीज कर रहा है ताकि उसको स्पीड मिला मिला ना। देखो ये ऐसे मान लो गए तो ये क्या करवा, अप्रोच करवाने दो बॉडी को, दो बॉडी अप्रोच करा, फिर ये ऐसे 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 पूरा डिफॉर्म हो चुका है, अब ये बोला बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार डिफॉर्मेशन नहीं होगी, है ना, समझ रहे बात को, मेरा राइमिंग बहुत खराब है, ठीक है यहां तक? ये क्या हुआ, कंप्लीट रीगेन ऑफ द शेप हुआ क्या इस कंडीशन में, कंप्लीट रीगेन ऑफ द शेप हुआ क्या, तो हम ये कह देंगे इस प्रोसेस को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, क्या बोलेंगे इसको? अभी देखो दूसरा, दूसरा देखना ध्यान से, अभी मेरा पूरा हाथ एकदम सही है ना, ऐसे ऐसे आया, आया टक्कर मारा, टक्कर मारा यहां से, यहां से यहां तक गया ना पूरा घुस गया, अब ये रीगेन करना चाहा तो इतने सा, अब देखो हाथ ऐसे, क्या पूरा रीगेन हुआ कि थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया ना, ऐसे को बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, क्या बोलते हैं इसको, पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, या कुछ कुछ वो किसी को इन इलास्टिक कोलिजन बोल देता है, लोड नहीं लेना है, बात समझ में आया? ठीक है, अब मान लो एक तीसरा कंडीशन हो सकता है, ऐसे गया टक्कर मारा
और ये बोला कि ठीक प्रेस कर दिए, हो गया, ये हिला ही नहीं, समझ रहे बात को, इसने कोई काम ही नहीं करा कि हमको रीगेन करना है सेप, नहीं, चलो, समझ रहे बात को, पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आ चुका है डिफॉर्म करने में, और इसने फिर से रीगेन नहीं किया अपने सेप को। अगर रीगेन नहीं हुआ सेप थोड़ा सा भी, तो दोनों बॉडी चिपके ही रह जाएगा ना, और जब चिपका हुआ रहेगा तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोले उसको, क्या मजा आया तुम लोग इस पूरे कहानी में? अरे बोलन रे, समझ में आया? तो तुम लोग अब बता सकते हो इस पूरे पिक्चर में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कब हो रहा होगा इस सिचुएशन में, जब भी नॉट से दोनों जा रहा होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है ना, और इसके बाद का कहानी उसके लिए होगा ही नहीं, बोलेगा हम तो अब कंप्रेस हो चुके हैं, अब कुछ नहीं, ये सब उसके लिए नहीं होगा, है ना, क्लियर है बात? अरे बोलो ना जी, हाँ, समझ में आया सबको कि नहीं आया, जल्दी बताओ, है ना? अरे बोलो ना, हाँ, तो अब हम बात करते हैं कॉलेजर, कोलिजन समझ में आ गया सबको, तो आप थोड़ा सा समय है हमारे पास, हाँ है, हाँ तो हाँ हाँ कोलिजन, बस 2 मिनट बता, बस मेरे साथ रहो, खत्म है। कोलिजन जो है 3 तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, ठीक है। पहला होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, समझ में आया बात? दूसरा होता है पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, समझ में आया बात? और इसका हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या तुम लोग को समझ में आया? अभी देखो, ये एक बॉडी है ए, ये बॉडी है बी, इसका वजन हम एज्यूम कर लेते हैं, इसका वजन है M1, इसका वजन है M2, ठीक है, इसका रफ्तार है U1, इसका रफ्तार है U2, दोनों जा रहा था, टक्कर खाया, यहां पर देखो तो टक्कर हुआ क्या? अरे हुआ ना दोनों का टक्कर, दोनों एक U1 और U2 जा रहा था, अरे अगर टक्कर हो रहा है तो हम ये बात कह सकते हैं कि U1 बड़ा होगा U2 से, न तो कभी टक्कर हो भी नहीं करेगा, हुआ क्या? अगर टक्कर हुआ है जिस जगह पर, वहां पर हम कह देंगे इसने इसके ऊपर एक F1 फोर्स लगाया, ऐसे तो इसने भी इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया होगा, क्या दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है? तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0, है ना, नेट फोर्स 0 हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, दोनों के कोलिजन होने के बाद ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, है ना, दिख रहा है सबको, ए ब्लॉक का जो मास है M1 और ये M2 है, तो इसका रफ्तार भी कुछ हो जाएगा बाद में, हम इसको V1 और इसको B2 बोल देते हैं, जो हम बोले थे पहले भी, हम ये नहीं कह सकते कि दोनों का स्पीड रीगेन करेगा, हम ये कह सकते हैं कि क्या होने वाला, नहीं होने वाला, क्या इस तरह का मोशन होगा कि नहीं होगा, और यही बेसिक फ्रेमवर्क है हमारा कोलिजन का। कोई दिक्कत है किसी को बता दो इसमें, क्या ये सब क्लास 9th में पढ़े हो कि नहीं पढ़े, सब कोई पढ़ा है भाई इतना तो, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा वर्ड है, उसका नाम है, इसमें कोई सवाल है किसी को? ठीक है, एक छोटा सा वर्ड है, हम उसको सीख लेते हैं, उसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, याद है ऐसा कुछ, ई यूज कर देते इसको, ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, याद है पढ़े थे, बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हाँ ये यहीं के लिए था, यही आया था, तो जहां पर सेपरेट कर रहा था, यहां पर अगर सेपरेट कर रहा था, यहां पर होना चाहिए V2 को V1 से ज्यादा, याद है ये सब सिखाए थे ना अभी, अरे यही ना हुआ है, दो बॉडी है, देखो कोलिजन हुआ है, यही ना हम समझा रहे थे टक्कर होने के बाद कैसे चला, अरे अरे यहां पर स्प्रिंग से करके दिखाए, यहां पर बॉडी का शेप में हम चेंज करवा दिए उस समय, ठीक है कि नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो रहा होगा, कौन पड़ा यहां पर, V2 ना, तो V2 में से V1 घटा दो, और यहां पर कौन बड़ा, U1, तो U1 में से U2 घटा दो, समझ में आया बात कि नहीं आया,
और इसी को ई बोल रहे हैं, बस खत्म। अब अगर हम बोल रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू याद है बताए थे 1 होता है, पार्शियली के लिए ई का वैल्यू 1 से कम और 0 से ज्यादा, और परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए ई का वैल्यू 0, याद है ये सब सिखाए थे ना ई मोमेंटम में। अरे यार कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसमें इसका वजन है मान लो m1 और इसका रफ्तार है u1, m2 है इसका रफ्तार है u2, और हमको पता है कि u1 बड़ा है u2 से, चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, टक्कर हुआ, क्या हुआ, इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, इसने भी इसके ऊपर सेम फोर्स लगाया, तो एफ नेट है ना ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन वो 0 हो गया। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, अरे बोलो रे, हाँ कॉन्स्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, जो m1 ब्लॉक है ये हमारा v1 चलने लगा और m2 ब्लॉक v2 चलने लगा, इस चक्कर में v2 को ज्यादा होना पड़ेगा v1 से। यहां तक सबको समझ में आ चुका है। तो हमने इसके लिए क्या क्या अच्छा बात सीखा, हमने पहला बात जो ऑब्जर्व करा है इसमें हुआ कंप्लीट रीगेन, ये हुआ कंप्लीट रीगेन ऑफ है ना शेप ऑफ बॉडी, है ना शेप ऑफ बॉडी। पहला पॉइंट क्या, सबको समझ में आई बात, परफेक्टली इलास्टिक में ही ना पढ़े थे, अरे पर कंप्लीट रीगेन हो गया। दूसरा बात क्या हो गया, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम हो जाएगा इस चक्कर में। तीसरा बात क्या सीखे हैं कि मोमेंटम रहेगा कंजर्व्ड, क्या रहेगा है ना। चौथा बात क्या होगा, नो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, है ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, क्या बैठा दिमाग में सबको। हाँ अगर ये बात आ चुका है तुम लोग के दिमाग में तो हम एक दो बात और अच्छा अच्छा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। पहला बात क्या सीखे बताओ तो मोमेंटम जो इनिशियल है मोमेंटम फाइनल के बराबर है क्या, शुरुआत में मोमेंटम कितना m1 u1 प्लस में m2 u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस में m2 v2, मजे आया पहला इक्वेशन में। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बता तो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जितना था उतना ही काइनेटिक फाइनल है, तो क्या लिखोगे, हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर, क्या ये गलत लिखें सही लिखें, अरे यही ना था, शुरुआत का रफ्तार दोनों को जोड़ लिए काइनेटिक एनर्जी बात के लिए ये कर लिए। क्या अंशु बाबू चल रहा है गाड़ी ठीक, पंकज बाबू हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हाफ हाफ तो उड़ जाएगा ना यहाँ से, m1 u1 का स्क्वायर प्लस में m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस में m2 v2 का स्क्वायर, कोई सवाल है। हाँ m1 अरे दिक्कत है, u1 का स्क्वायर माइनस में m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m2 v2 का स्क्वायर माइनस में m2 u2 का स्क्वायर। क्या यहां से अगर हम m1 कॉमन निकाल लें तो u1 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर दिख रहा है, और m2 अगर कॉमन निकाल लें तो v2 का स्क्वायर माइनस में u2 का स्क्वायर दिख रहा है ना। इसको थोड़ा और बेहतर वे में लिख सकते हैं क्या, m1 u1 माइनस में सॉरी v1 u1 प्लस में v1 चलेगा। अरे जोड़ दिए एक बार घटा दिए ऐसा तो कुछ सी, v2 और ये u2 है ना, गड़बड़ उड़बड़ कर रहे हैं थोड़ा देख लेना ठीक है, तुम लोग ध्यान देना, हम कब उल्टा देते हमको भी नहीं पता चलता है, यहाँ v1 ही है ना, ये v1 है हाँ, अब v2 प्लस में u2 और v2 माइनस में u2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1 को रीमोडिफाई कर सकते हैं क्या, देखो तो m1 माइनस में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 m1 u1 माइनस में v1 दिख रहा है क्या,
बराबर एम टू वी टू माइनस में यू टू दिख रहा है क्या इक्वेशन नंबर वन से? दोनों को पकड़ करके डिवाइड कर दे, है ना? देखो तो गया क्या ये सब, अरे गया ना, अरे ये ऐसा गया ना? इसका मतलब क्या हो गया, यू वन प्लस में वी वन बराबर क्या हो गया, वी टू प्लस में यू टू, है ना? इसका मतलब क्या हो गया, यू वन माइनस में यू टू का वैल्यू वी टू माइनस वी वन के बराबर हो गया। ये तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है क्या, है क्या? अरे बोलो रे। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, ई का वैल्यू वन हो गया क्या? नहीं हो गया। याद आया कोएफिशिएंट ऑफ प्रेस्टिट्यूशन क्यों वन हुआ, हम ये बताए हैं। तालियां इतना भयानक समझ गए, अभी नहीं आया? इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, इस चक्कर में ई का वैल्यू क्या हो जाता है, वन। समझ में आया? नो लॉस, सॉरी सॉरी, नो लॉस ऑफ या इन काइनेटिक एनर्जी, याद रखना इस पूरे प्रोसेस में। क्लियर है बात? कोई भी काइनेटिक में कोई लॉस नहीं होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का यही खासियत है। तुम लोग को समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना? प्रोसेस ही था हमारे पास, M1 था, कुछ U1 से भाग रहा था, M2 था, U2 से भाग रहा था, M1 V1 से भाग रहा है और M2 V2 से भाग रहा है। सबको समझ में आ चुका है यहाँ तक? हमको निकालना है V1 और V2। एक छोटा सा डेरिवेशन है, कर देते हैं, खत्म ही हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा शांति से बैठा रहना, है ना? हल्ला नहीं, बस थोड़ा सा है, कुछ है नहीं, है ना? क्या हम लोग जानते हैं क्या, एम वन यू वन प्लस में एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस में एम टू वी टू, ये जानते हैं ना? और एक और चीज जान चुके हैं अब तक कि यू वन माइनस में यू टू का वैल्यू वी वन सॉरी वी टू माइनस वी वन के बराबर है, है ना? तो यहां से अगर हम वी टू का वैल्यू बता दें तो क्या लिखोगे, यू वन माइनस में यू टू प्लस में वी वन हो जाएगा। बस इसको उठा करके यहां पुट कर लो V2 की जगह पे, खत्म हुआ काम। तो M1 U1 प्लस में M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस में M2 V2 की जगह क्या लिखेंगे, U1 माइनस प्लस में V1। तो थोड़ा ध्यान से लिख सकते हैं क्या, M1 V1 प्लस में M2 U1 माइनस में M2 U2 प्लस में M2 V1, है ना? हमको निकालना है बेसिकली V1, तो V1 वाले को साथ में रखते हैं और बाकी सब फालतू की इधर भेज देते हैं, है ना? तो क्या दिख रहा है हमको यहाँ से, M1 V1 प्लस में M2 V1 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 V1, इधर हो गया हमारे पास M2 U1 माइनस में M2 U2 माइनस में M1 U1 माइनस में M2 U2। समझ में आया? थोड़ा ध्यान से देखो तो M2 U1 तो दिख रहा है यहाँ से और यहाँ पर U1 दिख रहा है, तो U1 कॉमन आकर के M2 माइनस में M1 दिख रहा है और यहाँ से दिख रहा है माइनस में 2 M2 U2 दिख रहा है ना? अब होल डिवाइड कर देते हैं M1 प्लस में M2 से तो कोई तकलीफ नहीं हो जाएगा तुम लोग को? अरे बोलो रे। हाँ, सीधा सी V1 आ गया, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद रहेगा, याद रहेगा तो अच्छा बात है, नहीं याद रहा तो लोड मत लेना। समझ गए ना यहाँ तक? अरे बोलो रे। हाँ, गुड, मेरा हालत खराब हो गया लिखते लिखते। अगर हम एकदम सीधा, अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो अच्छी बात है, वी टू का वैल्यू तब हो जाएगा, देखो एकदम सेम यही फॉर्मूला को लिखेंगे, जहां वन है वहां टू लिखो, जहां टू है वहां वन लिखो, कर लोगे इतना काम? यहाँ से क्या स्टार्ट करें, यू टू एम वन माइनस में एम टू, नीचे में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वन प्लस में, है ना? कोई दिक्कत नहीं, माइनस में टू एम वन यू वन यू वन यू वन यू वन, है ना? एम वन प्लस एम टू, ये हो गया तुम्हारा वी टू। तुम चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो तुम लोग, तुमको वी वन और वी टू आ जाएगा। हम इस पर नेक्स्ट डे पूरा का पूरा लेक्चर आगे एक्सटेंड करेंगे इसको, कोई तकलीफ है आज क्लास में बताओ पहले, क्या मजा आया यहाँ से यहाँ तक?